साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए, कोरोना काल से संघर्ष करते हुए आज आपने इस एटीएम में जो पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट का विषय उठाया गया है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, विरोधाभासी है, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये तीनों एक साथ फ्लरिश कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे भारत में हमने एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अब एलईडी बल्ब अपने आप में एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। 5-6 वर्ष पहले एक एलईडी बल्ब 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता था, आज वही बल्ब 50 रुपये तक में मिल जाता है। आप सोचिए, कीमत कम होने से देश भर में करोड़ों करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब घर घर पहुंचे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं। ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इससे लाभ किसको मिला है? पीपल को, आम देशवासी को, जिसका बिजली का बिल कम हुआ है। एक मोटा मोटा अंदाज में लगा सकता हूं, आज प्रतिवर्ष एवरी ईयर देशवासियों के करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल में एलईडी की वजह से बच रहे हैं। 19,000 करोड़ रुपए आपके जेब में बचना, ये बचत गरीब को हुई है, ये बचत देश के मध्यम वर्ग को हुई है और लगातार होने वाली है। इसका लाभ प्लेनेट को भी हुआ है। सरकारी एजेंसियों ने जितने एलईडी बल्ब कम कीमत पर बेचे हैं, अकेले उससे ही हर साल करीब करीब 4 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ है। यानी प्रॉफिट दोनों को है, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन है। उत्पादक भी कमाता है, विक्रेता भी कमाता है और खरीदार भी कमाता है, और प्लेनेट का तो भला हुआ ही हुआ है। अगर आप सरकार की अन्य योजनाओं और फैसलों को भी देखें तो बीते 5-6 वर्षों में पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट का एक कंसेप्ट जमीन पर और मजबूत हुआ है। अब जैसे अभी आपने भी देखा है कि कैसे सरकार का बहुत ज्यादा जोर इनलैंड वाटरवे पर है। हल्दिया से बनारस तक तो वाटरवे चालू हो चुका है। अब मैं बनारस का एमपी हूं, इसलिए मुझे आपसे जुड़े हुए आदत भी आता है। अब वो चालू भी हो चुका है। अब नॉर्थ ईस्ट में भी वाटरवे बढ़ाया जा रहा है। इन वाटरवे से पीपल का फायदा है, क्योंकि इससे लॉजिस्टिक्स का खर्च कम होता है। इन वाटरवे से प्लेनेट का भी फायदा है, क्योंकि इससे ईंधन कम जलता है। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पेट्रोल डीजल के इंपोर्ट को कम करेगा, रोड पर ट्रैफिक कम करेगा, सामान सस्ते में पहुंचाएगा, सामान सस्ता मिलेगा, शॉर्टेज रूट से जल्दी पहुंचेगा, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों को इसमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यानी पीपल भी है, प्लेनेट भी है, प्रॉफिट भी है। साथियों, भारत में एक और अभियान अभी चल रहा है, देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का। इसमें
पीपल, प्लेनेट और प्रॉफिट तीनों ही विषय एड्रेस होते हैं। विशेषकर पश्चिम बंगाल के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। इससे आपके यहां जूट का कारोबार बढ़ने की संभावना अनेक गुना बढ़ जाती है। और मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या आप लोगों ने इसका फायदा उठाया कि नहीं उठाया? क्या अब पैकेजिंग मटेरियल, नई नई वैरायटीज, नए नए थैलिए, नए नए पर्स प्लास्टिक की जगह पर जूट से बनाना शुरू किया कि नहीं किया? एक तरह से मैं कहूंगा ये एक निर्णय, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति का एक निर्णय, आप आईसीसी के मेंबर जो उस इलाके में ज्यादा काम करते हैं, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में है और आपको तो इस मौके का और फायदा उठाना चाहिए। और अगर ये मौका छोड़ देंगे तो फिर कौन मदद करेगा? सोचिए, जब पश्चिम बंगाल में बना जूट का बैग हर किसी के हाथ में होगा तो बंगाल के लोगों को कितना बड़ा प्रॉफिट होगा।